मुहर्रम व गणेश चतुर्थी पर्व के दृष्टिगत मुतवल्ली प्रबंधक आयोजक मूर्ति और शोभा यात्रा के आयोजकों की मीटिंग थाना कोतवाली प्रांगण में आयोजित हुई। बैठक में कोतवाली थाना क्षेत्र के मुतवल्ली प्रबंधक आयोजक के अलावा डिजिटल वॉलंटियर्स सिविल डिफेंस पीस कमेटी के सदस्यों के एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव, एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ, सीओ कोतवाली वीपी सिंह के अलावा कोतवाली थाना प्रभारी जयदीप वर्मा, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मुकेश रस्तोगी के अलावा संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने के रणनीति तैयार की गई और बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर डीजे पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव और एसपी सिटी डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया। अरे इतनी आवाज बनती है कि मेरा नाम डॉक्टर कौस्तुभ है, पढ़ाई लिखाई से तो आई सर्जन था मगर अब यहाँ हूँ और आप सबका हार्दिक अभिनंदन है यहाँ हमारे प्रांगण में और उम्मीद है कि त्यौहार हमारे आपके सहयोग से बहुत अच्छा निकलेगा और आप में से कई चेहरों को तो मैं पहचान रहा हूँ, कई को अभी नहीं पहचान रहा हूँ तो धीरे धीरे जो है वो पहचान भी हो जाएगी। नमस्कार, मैं एडीएम सिटी गोरखपुर आप लोगों से पहले भी रूबरू हो चुका हूँ, आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुहर्रम के दौरान निकलने वाले जुलूसों की और उसमें आने वाली दिक्कतों की। तो अभी आपसे भी फीडबैक मैं और एसपी सिटी साहब लेंगे। दूसरा, गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार पड़ रहा है वो भी मुहर्रम के आसपास ही पड़ रहा है, संभवतः 3 तारीख को, 3 सितंबर को, तो उसके संबंध में भी ये देखना है जहाँ जहाँ पर मूर्तियाँ रखी जाती हैं तो उसमें कोई जुलूस के निकलने में बाधा ना हो और उन मूर्तियों के जो आयोजक हैं उनको पूजा अर्चना करने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन दो विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके अलावा भी कोई शिकायत होगी तो उसको भी हम लोग ध्यान से सुन लेंगे और उसका भी निराकरण करेंगे। सिटी महोदय व श्रीमान एसपी सिटी महोदय, श्रीमान सीओ कोतवाली महोदय उपस्थित है और आप सभी गणमान्य जी आए हुए हैं। आप लोग को जो भी समस्या है या जो भी सुझाव है अपनी अपनी बात अपनी जगह पे खड़े होकर बताएं। मैं तो हूँ उमर हुसैन, प्रगतिशील समाज हुसैनिया का प्रबंधक। मुहर्रम का जुलूस सभी लोग मिलकर मनाते हैं, सबसे ज़्यादा कि गड्ढों को भर दिया जाए। नगर निगम के आए थे, चीफ साहब आए थे, उन्होंने नोट भी किया था, लेकिन जानकार टाकी से लेके गाजी कटरा रोड पर आसन का जो निर्देश होगा, अगर सड़क के ऊपर प्रतिमाएं या जुलूस को अगर प्रतिबंधित किया जाता है कि सड़क का इंक्रोचमेंट ना हो तो उसका जो आपका आदेश होगा सारा परिवार ही गया। पूर्व के अनुभव के अभावी उच्चतम न्यायालय का भी आदेश था, अब उच्च न्यायालय का भी आदेश आ गया, डीजे को पूर्ण प्रतिबंध कर दिया गया। इसकी शुरुआत कल झूलेलाल जयंती का जुलूस निकलता है उसमें काफी घाटो होगा और 1 तारीख से मुहर्रम का त्यौहार शुरू होगा। एक बार और भी ऐसे गणेश पूजा मुहर्रम साथ पड़ा था, लोगों ने मिलजुल करके उसको मनाया था, किसी को भी कोई आपत्ति न जाएगी हो। तीसरा, 2017 में ऊंट पूर्ण रूप से प्रतिबंध था। ऊंट आने से क्या होता है कि शहर के अंदर में जानवर आते हैं, ऊंट भी प्रतिबंध हुआ। 2017 का रिकॉर्ड देख लीजिए, 2017 का रिकॉर्ड है। श्रद्धालुओं से भरे पटे रहते थे, उस बीच में हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर दशहरा और मुहर्रम का पर्व बड़े ही
अमन अमान के बीच मनाया। क्षेत्र में शांति व्यवस्था की बैठक एसपी सिटी साहब, एडीएम सिटी और सीओ साहब, यहाँ के कोतवाल साहब की उपस्थित में की गई है और ये निर्देश दिए गए हैं कि दोनों त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से दोनों कम्युनिटी अपने शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए। पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो भी मदद चाहिए है वो समय से दी जाएगी और इंस्ट्रक्शंस प्रॉपर दे दिए गए हैं कि कैसे आपको त्यौहार में शांति मेंटेन रखनी है। वो सब निर्देश दे दिए गए हैं। यहाँ पर बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे कि ढीले तारों को टाइट करवा दें, जर्जर तारों को हटवा दें, बदलवा दें और किसी पोल में करंट आ रहा है तो उसकी जांच करके उसे भी ठीक करा दें। सड़कों को और सफाई के संबंध में यहाँ पर नगर निगम के अधिकारी मौजूद थे, उन्होंने जगह चिन्हित कर ली है और नोट भी कर ली है, उस पर कार्रवाई समय से हो जाएगी। जो भी कोई ऐसी चीज है जो ताजिया या मूर्ति के रास्ते में व्यवधान उत्पन्न करेगी उसकी हाइट के अनुसार वो सब चीज़ें हटवाई जाएंगी, चाहे बिजली के तार हो, चाहे खंभे हो, चाहे कोई ऊपर से लगा हुआ झालर हो, जो भी मार्ग व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करेगा उसकी परमिशन नहीं है और हर चीज़ की परमिशन जो पहले से लेके उसके बाद ही उस कार्य को करने के लिए इनको निर्देशित किया गया सभी लोगों को। लाइट लगा सकते हैं, साउंड जहाँ जहाँ प्रतिबंधित है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों द्वारा, उनके अनुपालन में ही लगा सकते हैं, उसके अलावा नहीं लगा सकते और बिना परमिशन कोई भी इसे प्रयोग नहीं कर सकता। डीजे बजाने की अनुमति कहीं भी नहीं दी गई है और दी भी नहीं जाएगी। यहाँ पे कोई भी शांति व्यवस्था को अगर प्रतिकूल प्रभाव डालने का प्रयास करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके उन्हें भेजा जाएगा, तो इसके बारे में उन्हें क्लियर निर्देश दे दिए गए हैं और लगातार संवाद स्थापित रखा जाएगा। कोई भी दिक्कत आएगी तो पुलिस और प्रशासन एक साथ वहाँ पहुँच के कार्रवाई करने को तत्पर है।